हम आज के वीडियो में देखेंगे महाटेंडर्स के साइड पे इतना लॉगिन आईडी कैसे बनाते हैं, जिसको बिल्डर इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, और अपने डीएससी को वहां पे इन्वॉल्वमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली जब हम रजिस्ट्रेशन निकाल लेते हैं या फिर टेंडर भरने के लिए, मुझे जिस पोर्टल से मुझे टेंडर भरना है उस पोर्टल में अपना आईडी बनाना पड़ता है। तो हम आज के वीडियो में महा टेंडर साइट में दे महा साइन टेंडर साइट के लॉगिन आईडी बनाने का देखेंगे। तो हम साइट ओपन करेंगे www.mahatenders.gov.in। साइट ओपन होने के बाद मुझे इस तरह का डिस्प्ले दिखेगा। वहां पे देखिए नीचे ऑप्शन से ऑनलाइन बिल्डर इन्वॉल्वमेंट का, मैं ऑनलाइन बिल्डर इन्वॉल्वमेंट पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल गया, जहां पे सबसे पहले लॉगिन आईडी है। लॉगिन आईडी में बेसिकली अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अदरवाइज ईमेल आईडी के फॉर्म में आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे आप लॉगिन आईडी में अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, नहीं तो अपनी लॉगिन आईडी ऐड डाल के आप कैसे भी डाल सकते हैं, जैसे abc@gmail.com या abc@hotmail.com या abc@abc.com, अपने अकॉर्डिंगली आप लॉगिन आईडी बना सकते हैं, पर ये ईमेल आईडी के फॉर्म में ही होना चाहिए। यहाँ पे आपका कॉरेस्पोंडेंस ईमेल, वही ईमेल आईडी जो मैं आईडी डाला है, यदि मेरा ईमेल आईडी मैंने प्रॉपर डाला है तो मेरे पास एमएसएमई का जो सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ पे एमएसएमई सर्टिफिकेट चूज करूंगा। अदरवाइज मैं इसको टिक वहां से निकाल देंगे तो ये हमारा जो फॉर्म है एमएसएमई का वो निकल जाएगा। ये हमारे मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसकी वजह से हम यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो भी चलेगा। एड्रेस, जो प्रॉपर एड्रेस हमारे कम्युनिकेशन के लिए, जो भी एड्रेस होगा, हम जो टेंडर भरेंगे उसके कम्युनिकेशन के लिए जो भी एड्रेस होगा वो प्रॉपर एड्रेस डालिए। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आप पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, सॉकेट नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका नेम ऑफ द पार्टनर, यदि आपका पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर का डिटेल डालिए, प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड है तो डायरेक्टर वगैरह का, और यदि प्रोपराइटर है तो आप उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है, पोस्टल कोड, पेन नंबर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, नेचर ऑफ वर्क, जहां पे आपका किस टाइप का वर्क है वो आप डाल सकते हैं। सिविल वर्क है, सिविल वर्क डाल रहा हूँ। लीगल स्टेटस में आपका कैसा है, कंपनी किस टाइप का है, मेरे पास यहाँ पे अदर्स में डाल देता हूँ, मेरा प्रोप्राइटरशिप कंपनी है इसलिए। कैटेगरी में भी अदर्स, जो एमएसएमई का सर्टिफिकेट है इसलिए मैं अदर्स डाल रहा हूँ। या कॉन्टेक्ट में डिटेल्स में टाइटल, कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेजिग्नेशन डालिए। यहाँ पे देखिए एक लैंडलाइन के टाइप में मोबाइल नंबर है, तो अपने मोबाइल नंबर को ही दो पार्ट में डाल दीजिए, पहला आप डिजिट का, पहले का 2 या 3 डिजिट, और बाद का, यदि आपने 2 डाला तो बाद में 8, पहले 3 डाला तो बाद में 7 डिजिट डाल दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए और इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे मैंने इसको सबमिट किया, मेरे पास यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन आ गया।
यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करूंगा। जैसे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक, मेरे पास दो कोड जाएंगे, एक ईमेल को और एक मोबाइल में। दोनों कोड मुझे यहाँ पे डालना है। कभी कभी आपको ईमेल में कोड आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट कीजिए। वेट करने में जैसे कोड आता है आप डाल दीजिए। इनकेस फिर भी नहीं आता तो होम बटन में फिर से आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड है वहां पे आप क्लिक कीजिए, ईमेल आईडी डालिए और न्यू यूजर पे क्लिक करके कैप्चा डालिए, तो आपको फिर से आपका ईमेल का और मोबाइल का कोड आ जाएगा। आपको फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आप याद रखें राइट साइड में उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आपको पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, जहाँ पे एक नंबर्स होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल सभी से होना चाहिए, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये होने के बाद मैं यहाँ का कैप्चा डालूंगा और फिर से उसको सबमिट कर दूंगा। जैसे मैं सबमिट करूंगा, मेरे पास यहाँ पे एक SMS आएगा, मुझे यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, योर पासवर्ड हैज बीन जनरेटेड, मतलब मेरा यूजर आईडी क्रिएट हो गया। जैसे मेरा यूजर आईडी क्रिएट हो गया, अभी मुझे होम पे जाना है। अभी मुझे DHCP इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। होम पे जाता हूँ, लॉगिन आईडी मेरा डालता हूँ, कैप्चा डालेंगे, इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। पासवर्ड आया, जो मैंने पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड अभी डालेंगे। नीचे फिर से कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे देखिए साइनिंग सर्टिफिकेट बोल के आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा डिजिटल सिग्नेचर साइनिंग, जो भी मेरा डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ है, या मैं DHCP एनरोलमेंट पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दैट मींस हमारा सेटिंग में प्रॉब्लम है। हमारे पास, मैंने एक वीडियो बनाया है सेटिंग के लिए, महाट इंडेक्स के साइट्स के लिए। आप वो वीडियो के अकॉर्डिंगली वो वीडियो देखिए, यदि आपको सेटिंग नहीं पता है तो वो सेटिंग से आपको, वो वीडियो से आपको सेटिंग के सभी डिटेल्स पता चल जाएगा, और उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप सेटिंग्स पूरा कर सकते हैं। सेटिंग जैसे प्रॉपर कर लेंगे, फिर आपको यहाँ पे DHCP एनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा। देखिए मैंने अभी सेटिंग कर लिया, तो मुझे आगे का DHCP एनरोलमेंट का अभी आगे का ऑप्शन आएगा। मैं फिर से लॉगिन आईडी डालता हूँ, कैप्चा डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ। मेरे PC का मैंने अभी सेटिंग कर लिया प्रॉपर, पासवर्ड डाला और इसका मैं अभी कैप्चा डाल रहा हूँ। फिर से साइनिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा। देखिए मुझे जावा का पॉपअप आ गया, इसमें हमारा अभी सेटिंग ओके है। मैं अपडेट ब्लॉक नहीं करेंगे, लेटर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा नीचे जावा का रन होना चालू हो गया। मेरे पास और दो ऐसे पॉपअप्स आएंगे जिसको कंटिन्यू और रन करना है। देखिए जावा के लिए आया, परमिशन आया, मैं जावा के लिए इसको रन करता हूँ। रन किया तो देखिए मुझे यहाँ पे DHCP के डिटेल्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे मुझे इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा जो DHCP है वो DHCP अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। DHCP बनाने के बाद एक्टिवेट होने में के लिए 24 आवर्स लगता है। मैंने अभी अभी DHCP बनाया इसलिए वो मुझे नहीं दिख रहा है। आपके पास जैसे DHCP पुराना होगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, आपका DHCP सक्सेसफुली इनरोलमेंट जारी हो जाएगा। आपको एक पॉपअप भी आएगा DHCP इनरोलमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद अपने आप आईडी से सेम प्रोसेस से आपका टेंडर का पोर्टल खुल जाएगा, फिर अपने लॉगिन आईडी से आप टेंडर भर सकते। हमारे टेंडर के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक।